नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर रीवा से है, जहां जिले की मनगवा पुलिस ने नाकेबंदी कर गांजा से लोड मार्शल जीप पकड़ी है। मौके में महिला सहित चार लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से दो लोग बिलासपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रीवा एसपी आपत खान को मुखबिर से मिली सूचना के मनगवा थाना प्रभारी मृगेंद्र सिंह ने पुलिस टीम के साथ फोरलेन चौराहे में नाकेबंदी कर मार्शल जीप में लगे 33 किलो गांजा बरामद किया है। उड़ीसा से गांजे की खेप मनगवा होते हुए मऊगंज की ओर जा रही थी। सूचना के बाद पुलिस बल के साथ थाना प्रभारी के द्वारा नाकेबंदी कर मार्शल जीप को रुकवाया और तलाशी दौरान देखा कि 3 बैगों में गांजा की थैली भरी हुई है। पुलिस ने मार्शल जीप को चालक के साथ कस्टडी में लेकर थाना ले गए। उसके बाद तलाशी के दौरान 33 किलो गांजा बरामद किया। थाना प्रभारी ने बताया है कि ये गांजे की खेप किसी बस और ट्रेन में बैठकर बिलासपुर उड़ीसा से दो लोग गांजे की खेप रीवा लेकर आए। इसके बाद मऊगंज के एक मार्शल जीप में उड़ीसा से दोनों युवक और एक महिला और मार्शल चालक सहित मऊगंज के युवक मार्शल जीप में बैठकर मनगवा की ओर आ रहे थे। कितना माल है? हाँ, ये करीब 33 किलो गांजा पकड़ा गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बस से गांजा निकाल के किसी गाड़ी के माध्यम से लिया जा रहा है। थाना प्रभारी द्वारा चेकिंग के दौरान जीप में बुलेरो गाड़ी थी, उसमें चार आरोपी मिले हैं, जिसमें एक महिला भी है। तलाशी ली गई, उनके बैग थे जो स्कूल बैग टाइप के बैग हैं, उनमें सभी बैगों में गांजे के पैकेट मिले हैं। पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। एक आरोपी जो था अशोक पटेल नाम से, वो मौके से फरार हो गया है, उसकी तलाश जारी है। चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सर, महिला गांजा तस्करी में शामिल थी कि उसे पुलिस को धोखा देने के लिए गाड़ी में बैठा गया? नहीं नहीं, ये महिला का जो चारित्र वो है वो संदिग्ध है, और उसमें महिला का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा इस तरह कारणों से ऐसे लोगों से जो व्यक्ति फरार हुआ है, महिला के मोबाइल में उसके नाम की जगह जान नाम से इसका लिखा हुआ था, इससे ऐसा लगता है कि जिससे जुड़ी हुई है, और वो जो व्यक्ति भगा है मौके से, वो भी गांजे के कारोबार में लिप्त है पूर्व से। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, इसलिए बनी रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार। गुड मॉर्निंग टीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग का ऑफिशियल चैनल है। खबरों में बने रहने के लिए यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए गुड मॉर्निंग टीवी को, और ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए।